प्रणाम सब गोटा के। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। हम रेखा झा शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से एक बार फिर अपने सबसे ने जुड़ गेलो है अपन बहुत चर्चित प्रोग्राम के लाकर व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व और कृतित्व जे शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के एक छोटकी आयोजन छे, प्रयास छे, जेमे हम सब बात करे छी अपन मिथिला के विभूति के, बात करे छी अपन मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के, बात करे छी अपन मिथिला के मान सम्मान के, और बात होय छे मैथिली भाषा में, तो अपन अपन जे हम सब योगदान क सके छी से हम सब करे छी। आय अहाँ सबके बेसी टाइम नहीं ले, सबसे पहले दर्शक सबके बहुत हृदय से आभार देव चाहब, अपने सबके बताव चाहब जे आय बहुत महत्वपूर्ण विषय लक हम सब एलो है, और उतबे महत्वपूर्ण हमरा सबके साथ आय के जो व्याख्याकर्ता सर छे सम्मानीय आदरणीय, हुनका वंदन करेत, हुनका सम्मान देत, हुनकर सत्कार करेत, सबसे पहिने हुनका जोड़े छियन आ कोशिश करे छी सर के जोड़ के प्रोग्राम के जल्दी से जल्दी शुरू करे के। प्रणाम सर, अपने के बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से करे छी। आ दर्शक सबके बतावा चाहे छियन जे आए जे हमर सबके बहुत महत्वपूर्ण विषय लक हम सब एलो है शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के काल निर्धारण, और इतने महत्वपूर्ण विषय के जे हम हमर्स के व्याख्याकर्ता जी ओहो सब महत्वपूर्ण आ रहा है। हम सब बहुत पैघ अपन मार्गदर्शन ज्ञान दर्शन करे वाला छी सर के महत्वपूर्ण विचार से। तो सर के बारे में हम की बतावियन, सर के बारे में किस बतेनाय, सूर्य भगवान के दीपक दिखेनाय के बराबर छे, तैयो हम सब के बतावा चाहे छी जे सर डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी पूर्व निर्देशक छथि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के, और हमरा सबके मिथिला के एकटा गौरव छथि, विभूति छथि सर, मिथिला मैथिली के योगदान में सर अपन जीवन लगा रहल छथि, सर के वंशज से पूरा वह काज चल आ रहल छे जे सर ओकरा आगू बढ़ा रहल छे। सर एक बार फेरो अपने के हृदय से स्वागत करें, अपने से निवेदन करबे सर जे कनी अपना बारे में और विशेष जानकारी हमरा सबके देल जाए। प्रणाम सर। धन्यवाद रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आके आभार और धन्यवाद दोनों दे छी जे अतेक पैग अतेक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम अहाँ अपन आई मंच से बजलों है। साधारण कार्यक्रम आई नहीं यहाँ बजलों है, बड पैग कार्यक्रम छे जे सनातन धर्म के रक्षक छला है शंकराचार्य पंडित मंडन मिश्र, उनकर काल निर्धारण पर आए हमरा अहाँ ई भार दिलों है जे चर्चा करी। हम पछला दू दिन से जना लोग परीक्षा के तैयारी नहीं करे छे तहिना तैयारी करे छलों है, आ तैयार कर के हम अपने सब लोग उपस्थित छी। सौभाग्यशाली महसूस कर रहा छी, आ ईश्वर से प्रार्थना करे छी जे अपने सलामत रही और एहन हमरा सबके ज्ञान दर्शन देत रही सर। धन्यवाद। हमर छोट सन परिचय है कि हम 37 वर्ष तक भारत सरकार में पुरातत्ववेत्ता के रूप में कार्यरत रहलों, और विभिन्न देश के विभिन्न विभिन्न शहर में हमर ट्रांसफर भेल, जतय से हम बहुत रास प्राचीन स्मारक सबके संरक्षण केलों, नव नव खोज केलों, नव नव विधि विधा के हम डिस्कवरी केलों, और प्राचीन धर्म के स्थापित करय में हम अपन पूरा योगदान लगा दिलों। हम भारत के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न खोज केलों, जाहि में हमर सबसे पैग खोज छल रीवा के लग में देवर कोठार माड़ी घाट छले, जतो की कनिंगम साहब से नहीं पहुंच पायल रहे, और हम ओहिठाम 26 बुद्धिस्ट स्तूपा तकलों जो कि जंगल में छले 1982 में, और वो स्तूपा की बहुत पैग वो डिस्कवरी छले ओहिठाम ब्राह्मी में हमरा सबके पिलर भेटल, पिलर के इंस्क्रिप्शन भेटल, ओहिठाम हम खुदाई के लिए वही सारा स्मारक के डेवलप के लिए, और भारत सरकार वही स्मारक के अपन राष्ट्रीय धरोहर घोषित केलकै। वाह अद्भुत सर, अद्भुत। एकटा बहुत पैग खोज छल, सेकंड खोज हमर छल खजुराहो में, जे पुरान इंस्क्रिप्शन सब छलैया ओहि इंस्क्रिप्शन के एकटा मंदिर मिसिंग छलैया, 26वां टेम्पल लोग सब कहे जे कतौ छै, वीर बलाल सेकंड छलैया वो एकटा इंस्क्रिप्शन लिखने रहे, जाहि में वो लिखने रहे जे
हमरा लाग रहल है कनी नेटवर्क के इशू भ गेले है त क्षमा चाहे छी सीमा फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से। जी सर, स्वागत सर। चला है तो वही ठाम वो 26वां टेम्पल हम तकलों और वो 26वां टेम्पल सबसे लार्जर टेम्पल छले या जेकरा कि अमिताभ बच्चन एला अमिताभ बच्चन वही ठाम अपन साउंड एंड लाइट प्रोग्राम दलखीन और फ्री में दलखीन और वो टेम्पल से वो भारत सरकार के विश्व धरोहर स्मारक में एक स्मारक मानल गेल और आई ओ स्मारक है। ये हमारा दोसर बड़ पैघ खोज भेल। तेसर हमारा 2013 में भारत सरकार पठेलक काबुल के म्यूजियम में भगवान बुद्ध के ओरिजिनल पात्र सेकेंड सेंचुरी एडी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लेल वैशाली से लो जाल गेल रहे और ओकरा काबुल म्यूजियम में राखल गेल रहे। तो हम भारत सरकार के मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट भ के गेलों और ओकरा हम सब रूप से ओकर कैरेक्टरिस्टिक देख के प्रमाणित के लिए वह बुद्धा बॉल है जो भगवान बुद्ध के टाइम में वैशाली में छल जरा बारे में कनिनगम और फाइहान वैनसांग सबके रेफरेंस भेटे खेल। ये तीन टा हमर काज है जो कि बहुत पैग काज है। हम 12-13 पुस्तक आर्कियोलॉजी में लिखने छी जिनमें विभिन्न खोज सिक्किम के खोज आदि 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 बहुत छे। हम सब वही में अखन अखन की हेतु जो डाइवर्ट भ जाए अखन हमरा सबके जितने जे वही पर हम सब आवा चाहब क्या लोग सब उत्सुकता से हमरा सबके सुना ले। जी 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 बहुत आभार सर और अपने पर ईश्वर के विशेष कृपा छे ना अपने के व्यक्तित्व एक टा प्रमाण छे मैथिल साहित्य ले मिथिला के गौरव छथिन अपने के एक बार फिरो से स्वागत करे अपने से आज्ञा ले एक बार दर्शक सबके नाम जल्दी जल्दी जरूर ले चाहे जे अपने सबके स्वागत कर रहा छे। दिलीप कुमार जी, नूतन झा जी, निवेदिता जी और सीमा फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से और दर्शक सबके तरफ से अपने के स्वागत करें। सर आय के परिचर्चा शुरू करेल जाए और अपने के हमरा सबके मार्गदर्शन बढ़ायल जाए तो सबसे पहले सर जे हमरा अपने से एक चिंतन के विषय पर हम कर चाहे छी व्याख्या अपने के जे चाहे छी से छे सर जे शंकराचार्य जी के तिथि निर्धारण 507-475 BC के पूर्वोत्तर के प्रमाण के संदर्भ में सर अपने हमरा सबके कनी ज्ञान दर्शन बढ़ायल जाए। देखियो इसमें सबसे बड़का चीज की चले है जे हम सब विद्वान लोकन अखन तक सुतल रही आ हमरा ये बुझे में नहीं आवैया जे क्या हम सब वही पर गौर नहीं केलिए। हमरा सबके अई विषय पर ये चूंकि सनातन धर्म के विषय छले है आ मिथिला हर व्यक्ति के कर्तव्य होय छले है जे ओ जे भगवान शंकराचार्य के जे स्थान और ईयर देल गेलन ओई पर कहियो चर्चा परिचर्चा नहीं केलखिन। एखन जे हुनकर ईयर देश में चल रहल छे ओकरा कहल जाय छे 788 से 820 AD। जी अगर एकरा पर की छे हमरा लोग प्रमाण जे एकटा पाठक क के केवी पाठक क के एकटा विद्वान भेला जिनका सॉरी ब्रिटिशर सब कहलखिन जे ब्रिटिशर वो एकटा छोट सन बहुत कम पेज के एकटा पुस्तक लिखलन जे पुस्तक में वो ई वर्णित केलखिन जे शंकराचार्य 788-820 में चला है और जेकरा ब्रिटिशर सब मान लेलखिन। लेकिन विद्वान लोगन वर्गस और आन जतेक लोग छलखिन है वो सब में कतो ने कतो कहलखिन जे ई ओतेक विश्वास पात्र डेट नहीं मानल जाय थे। जी में हम अपन एखन जे विस्तृत वर्णन करब ओहि में हम सब पहलू पर टच करब जे क्या हम सब 788-820 के नहीं माने छी। एहिमें जे सबसे पैघ काज कैलन है पछला 10 वर्ष से जिनकर हम सेहो सत्यापित केलियन है वो छै अहाँ के डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी जे कि एकटा पुस्तक प्रकाशित कैलन है 588 पेजक ओहि में वो आर्कियोलॉजिकल आर्काइवल न्यूमिस्मैटिक्स एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल हिस्टोरिकल लिटरेरी और ट्रेडिशनल एविडेंसेस दलखिन है जे आ दो का वो उनका जे प्रमाणित कलखिन है
कि आदि शंकर 2500 वर्ष पूर्व समाधि लेने चला है, शिव के स्वरूप में वो 507 बीसी में आयल चला है और 475 बीसी में उनका समय काल समाप्त कर उनका प्रमाण ये सब प्राप्त हुए हैं। ओकरा हम अहाँ के खन अपन चर्चा में विस्तृत से बताया, जैसा हमारा बुझाई है जतेक हमारे लोग सब हेता सब से हो हमारे बात से सहमत है। आरो कुछ हम आगा बढ़ू अपन भाषण में? रेखा जी, रेखा जी यहाँ सुन रहा छे? हेलो रेखा जी, एम आई ऑडिबल? हेलो पंखा चला दे, क्षमा चाहिए सर, नेटवर्क के कने इशू आए बेसी भ रहल छे। तो हम आप शुरू करें छी अपन? जी सर, जी सर, यदि आपके स्वीकृति हुआ तो। आदरणीय आदरणीय श्रीमती रेखा झा जी, श्री सुमित सुमन जी, शिमर फिल्म्स, श्री प्रवीण कुमार मिश्र जी उपाध्यक्ष, श्री उग्र तारा न्यास समिति महिषी, श्री विद्वान दिलीप कुमार चौधरी जी महिषी, श्री यूएन झा जी अशोक, श्री अनूप कुमार झा, प्रोफेसर जयदेव मिश्र, प्रोफेसर अयोध्यानाथ झा एवं अन्य विद्वानक संग हम नमन करैत छी डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जे पछला 10 वर्ष से आदि शंकराचार्य आर हुनक आविर्भाव काल पर कार्य करे छला है आर ओ 507 से 475 बीसी अमित काल रेखा पर 588 पेजक शोध ग्रंथ प्रकाशित कैले नहीं छ। आदि शंकराचार्य 2500 वर्ष पूर्व समाधि लेने छला है। जी। आदि शंकराचार्यक उल्लेख वेद में भेटैत अछि। 700 वर्ष पूर्व स्वामी आत्मानंद आचार्य अस्य स्वर्गीय सूक्त ऋग्वेद के 1.64 पर भाष्य लिखने छथि। वो लिखे छथि जे सुखहस्त सुखकर शंकराचार्य छथि, वो गोधुक छथि अर्थात भाष्यकार छथि और वह उपनिषद के दोहन केने छथि। ई सब वितंडावादी जे छलखिन है जे सब 788-820 केलखिन है उनकर सबके विचार हम पहिने अहाँ सबक सामने राखि रहल छी। वह उपनिषद के दोहन केने छथि, हुनकर कहब छनि जे शंकराचार्य उपनिषद के दोहन केलनि अर्थात भाष्यकार छथि और शंकराचार्य विनाशक के रूप में हमरा लोकन लेल जन्म ने रहे उनका सबके ई कहब छलनि है। हुनक अवतार व्यास सूत्र के व्याख्यान अथवा उपनिषद के सार के दोहन लेल जन्म लेने छथि। आचार्य कहैत छथि नमः कपर दिने च व्युक्त के केशाय च नमः अर्थात जटाजूटधारी शिव आर मुंडित केश वाला शिव के नमस्कार है। 6th century BC के उत्तरार्ध बहुत कोई शासक भारत में नहीं रहे। 6th century में भारत में स्थिति बड़ नीक नहीं रहे, सर एक दूसरा के बीच में वैमनस्य रहे, जे सार्वभौम नरेश के रूप में देखल जा सके छल से क्यों नहीं रहे हुई टाइम उचम बड़ आवश्यकता रही 6th century BC में जे देश में क्यों एहन व्यक्तित्व आवे जे पूरा देश के धर्म से और राज्य से जोड़ सके। जी सब धर्म के नाम पर व्याभिचार में लिप्त छल, 6th शताब्दी बड़ खराब चले है लिप्त छल। एहन स्थिति में सनातन धर्म के उत्थान तथा भारत के अस्तित्व के रक्षा हेतु एकटा अवतारी पुरुष के बहुत आवश्यकता छल। ऋषि देवतागण के प्रार्थना पर भगवान शंकर के आदेशानुसार देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय कर्म कांडक रक्षा हेतु कुमारिल भट्ट के नाम हर मैथिल जनित हथि कुमारिल भट्ट अवतार लेलन। कुमारिल भट्ट के अवतारे रूप में मानल जाय छे आयो मिथिला में और उनका बड़ पैघ विद्वान के रूप में मानल जाय छे। जी सर, ब्रह्मा जी के रूप में हमरा सबके मंडन मिश्र एला। मंडन मिश्र जे महिषी में जिनकर जन्म भेल छलन है जकर वर्णन हमरा सबके शंकर दिग्विजय के तृतीय अध्याय में क्लियर कट पता चलित है जे वो महिषी के छला है
महिषी शब्द के ओहिमे रूपांतर कयल गेल छे से मंडन मिश्र सेहो ब्रह्मा जी के अवतार में एहि पृथ्वी पर एला तथा देवराज इंद्र के रूप में महिष्मती नरेश सुधनवा जे 6th सेंचुरी बीसी में राज्य करे छला है जिनकर अपन एक राज्य छलन है से इंद्र के रूप में उपस्थित अवतरित भेला भगवान शंकर युधिष्ठिर शक संवत 2631 वैशाख शुक्ल पंचमी रवि दिन तदनुसार 507 ईसा पूर्व में कालटी नामक ग्राम में शिव गुरु एवं आर्यम्बा नामक नम्बूद्री पाद ब्राह्मण दंपति घर में अवतार ले ले। पिता शिव गुरु मृत्यु 3 वर्ष के अवस्था में भ गेल जखन शंकराचार्य 3 वर्ष के छलाह तखने भ गेल 5 वर्ष के आयु में 502 बीसी में शंकराचार्य के उपनयन भेल 7 वर्ष के अवस्था में हिनका लोग दर्शन के पैघ विद्वान तथा व्याकरणाचार्य सब आबल लगल भारत वर्ष में सनातन धर्म के रास देख शंकर द्रवित छला है। बहुत हमरा सबके एग्जाम्पल्स भेटे है जे ओ अत्य चिंतित छलखिन है शंकराचार्य जे सनातन धर्म लुप्त भ रहल छले ओहि टाइम में जी तो द्रवित छला और वो एकर सुधार में निरंतर लाग गेला 7 वर्ष के उम्र से चूंकि वो भगवान के रूप छला है शंकर के रूप छला है उनका तब तो बहुत ज्ञान छलन है अपार ज्ञान छलन है भारत वर्ष में एकर सुधार में लाग गेला घड़ियालक कथा सेहो छै जे जहन शंकर नहाय छला है तो घड़ियाल हुनका मुंह में लो लेलकन आ मुंह में लेला के बाद हुनका से कहल गेलन जे अहां ये हमरा प्रॉमिस करू कि अहां विवाह नहीं करब अहां गृहस्थ जीवन में नहीं जाब तखन हम अहां के छोड़ देब वो घड़ियाल कुछ नहीं एकटा भगवानक रूप में हुनका से आश्वासन ले गेल आ तखन ओ मानलखिन तखन हुनका ओ छोड़ देल गेल शंकर दिग्विजय दिग्विजय भेला धर्मक नाम पर जे विकृत समाज में आयल छल ओकरा दूर कयलन सहिष्णुताक मार्ग के जन्म देलन सब पंथ के बीच में समन्वयक स्थिति बनल ओ ओहि टाइम में हिंदू धर्म ओहि टाइम में जैनिज्म बुद्धिज्म सब फैलल छले देश में जी, तो सब धर्म के बीच में शंकराचार्य जी समन्वय स्थापित कलखिन आज एक दूसरा के बीच में जो कटुता छले ओकरा दूर कलखिन और मध्यम स्थिति के अपने लेन जी जी मंडन बीच में मंडन मिश्र सन विश्व बंदे विद्वान के शास्त्रार्थ में पराजित कलन मंडन मिश्र के पराजित केनाई साधारण बात नहीं छले वो स्वयं ब्रह्मा के अवतार छलखिन लेकिन वही समय में एहन स्थिति छले है जे मंडन मिश्र के पराजय से मंडन मिश्र अपना आप के पराजित कहियो ने फील कलन वो सोचला जे हम जीतिए गेलो है लेकिन हुनक पत्नी उभय भारती के काम कला के प्रश्न पर समाधान मृत राजा अमरूप के शरीर में अपन आत्मा के प्रविष्ट कर शंकराचार्य पुनर्जीवित राजा द्वारा एक ग्रंथ अमरूप शतकम लिखवा कर केला राजा सुधनवा हुनकर शिष्यत्व स्वीकार कलन आ राजा सुधनवा जे राज्य के उस टाइम में सबसे पैघ राजा छले है पूरा देश में वो शंकराचार्य के शिष्यत्व के स्वीकार कलखिन आ राजा सुधनवा के नेतृत्व में पूरा भारत में एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में परिणित कलन शंकराचार्य शायद धर्म राजधानी स्थापित कलन जैसा कि पूरा देश एकता के सूत्र में बंद जाए वही में पश्चिम में द्वारका द्वारका मठ एवं दिशा दिशा में पूरी पूर्व दिशा में पूरी भगवान जगन्नाथ के पुनर्स्थापना और उत्तर दिशा में गोवर्धन मठ बद्रिकाश्रम दक्षिण में रामेश्वरम के पुनर्स्थापना कर श्रृंगेरी नामक धर्म राजधानी स्थापित कलन दशनामी सन्यासी के नाम पर एकटा एहन वो राज्य स्थापित कलन जैमे धर्म के कोड ऑफ कंडक्ट हुए आर जी परिवराजक मुख्यालय तीर्थ आर आश्रमक मुख्यालय शारदा मठ में वन व अरण्य के मुख्यालय छल एकर बाद गोवर्धन मठ मुख्यालय बनल
जैमे गिरी और पर्वत सागरक मुख्यालय छोल, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम सरस्वती भारती व पुरीक मुख्यालय छल, और शारदा मठ श्रृंगेरी नियंत्रणक पूरा शंकराचार्य करे छला है। कत सर? शारदा मठ श्रृंगेरी सर। ठीक सर। डॉक्टर राधा कृष्णन सन विद्वान जे आचार्य शंकर के बारे में लिखे छथिन, हमरा लोकन के समक्ष ओई सर्व ग्राही तथा सहिष्णु प्रकृति हिंदू धर्म के एक महानतम व्याख्याकार के रूप में प्रकट कलें। सहिष्णुता का समावेश भरल छल, वो कट्टरपंथी नहीं छला है। कोई समय वैष्णव मत शैव मत शाक्त मत सब एक दूसरा से लड़ रहल छल, बड़ खराब समय छले जे हम कहलूं संशयवाद और हठ धर्मिता दुनू से उन्मुक्त छला है। भिन्न भिन्न देवता की स्तुति में श्लोक सभक रचना कलन, घातक क्रिया सबके खंडन कलन, ये बहुत घातक या बहुत डैमेजिंग वर्ड सब एक दूसरा धर्म में चले है, वही सबके शंकराचार्य सब में बैस कर खंडन कलन, सबके खंडन कलन जे धर्म के नाम पर प्रचलित छो। आचार्य शंकर के बारे में बौद्ध दर्शन और वेदांत में सेहो कहल गेल, विवेकानंद कहित छथि, दिग्विजय विश्ववंद कहित छथि कि भारत के जीवित रहक छल तखने भगवान के प्रादुर्भाव होइत अछि। विवेकानंद जी के शब्द छन। शंकराचार्य गौरव गीता प्रचार से बढ़ल, वेदांत दर्शनक महान आचार्य शंकराचार्य है पर ब्रह्म एक छै। शंकराचार्य जीवन कार्य वेद और उपनिषदक स्पंदनशील सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं छै, यह उनकर फिलोसफी चलन है। अही बीच में शंकराचार्य के संग मंडन मिश्र के आविर्भाव काल पर बहुत रास देश मतलब एखन प्रेजेंट 100 साल पूर्व बहुत रास वितंडावादी लोग सब आबि गेला। वितंडावादी लोग में की जे ओ ऐ चीज के स्थापित नहीं हो बदल की, उनका कोनो प्रमाण के आवश्यकता नहीं छलन है, वो एकटा यह सोचे चलकिन जे 788 जे छै डेट वह सही छे, क्या सही छे ते कर उनका लग कोनो आंसर नहीं चला ना कि शंकराचार्य ते के टाइम रहे आई में के आगू एला कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट ग्रुप के सबसे आगा जे हिस्टोरियन चला इरफान हबीब। इरफान हबीब कखनो शंकराचार्य के स्थापित नहीं हो बदल के, हम आर्कियोलॉजिस्ट छी हिस्टोरियन छी 37 वर्ष हम अपन कार्य केलौं, हम जखन भी शंकराचार्य के डेटिंग देखी हमरा हमेशा शंका होई छल कि 788 बीसी में एलखिन और बौद्ध और जैन धर्म ऐसा पूर्व भेले कि हमर सनातन धर्म अतेक लेट छल, जेहन की वेद के पाठ भ चुकल रहे उपनिषद आबि गेल रहे, क्या हमर अतेक लेट है जी। तो वितंडावादी में सबसे उच्च कोटि के वितंडावाद चला है इरफान हबीब, ये भारतीय इतिहास में मध्यकाल लिखलन, वही में वो कतो ऐ बात के प्रमाणित करक कोशिश नहीं कला और उल्टे ही कहलकिन 788 ये शंकराचार्य के समय छले। एकर बाद मुस्लिम शासक में ये हिंदू धर्म पर कुछ काज कल के वो अलबरूनी के छले या ये वेदांत शब्द 1030 एडी में परिचय कलखिन, लेकिन कतो ओकर उल्लेख नहीं कलखिन। वो शंकराचार्य के चिंतन पर इस्लाम के परोक्ष प्रभाव छले, इस्लाम नहीं चाहे चल जे शंकराचार्य के स्थापित सही रूप में कहल जाए। ऋग्वेद के 1:164-43 और 50 में तानी धर्मानी प्रथमान्यासन, ऐ मंत्र स आयल प्रथमानी आसन में प्रथमानी शब्द के अर्थ, प्रथमानी शब्द के अर्थ आचार्य वेंकट माधव लिखे छत पूर्व युग जातानी, आचार्य आत्मानंद लिखे छत पूर्वात्मानी, आचार्य सायन लिखे छत प्रकृष्ठानी व मुख्य, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखे छत आदिमानी, पंडित जयदेव शर्मा सृष्ट पूर्व विद्यमान व सर्वश्रेष्ठ लिखे छत, पद्मभूषण ब्रह्मर्षि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर एकरा प्रथम कहे छत, डॉक्टर जियालाल कंबोज एकरा उत्कृष्ट कहे छथि, एच विल्सन एकरा फर्स्ट प्रथम कहे छथि, रैल्फ टीएच ग्रिफिथ एफोर्टी पूर्वकालीन कहे छथि, आर एल कश्यप पूर्वोत्तर स्थापित कलखिन। ये सब सब वितंडावादी लोग सब छला है जे शंकराचार्य पर कोनो सही गंभीर रूप से कार्य नहीं कलखिन, और सब उल्टा सीधा इनका दलखिन, जे पर डॉक्टर पी एन मिश्रा बहुत पैघ शोध कलखिन है और बहुत नीक से प्रमाणित कलखिन है,
बितंडावादी लोग सब के कई तरह से हमारे हिंदू धर्म के स्थापित क्रम है जोड़ तोड़ ककरा नहीं स्थापित होगा दिला। सनातन धर्म वेद धरित भेला कारण ब्राह्मण धर्म सेहो है। वेदक ओ भाग जे धार्मिक विधि विधान से संबंधित है ब्राह्मण कहल जाय छला। ऋग्वेद के दसम 121.9 में सत्य धर्म सेहो कहल गेल है एकरा। आब हम अबै छी जे एकरा हम सब प्रमाणित डॉक्टर पी एन मिश्र जे छथि हुनके बारे में हम बता दी कि राम जन्म भूमि केस के जे फाइनल डिसीजन भेलै जकरा की चीफ जस्टिस ऑर्डर केलखिन तो आन सब जज सब के एक दिन से आन सब वकील सब के बैरिस्टर सब के एक से दो दिन से बेसी अलाउ नहीं करे छलखिन लेकिन डॉक्टर पी एन मिश्र के चीफ जस्टिस 40 दिन बहस कर के स्थान देलखिन और 40 दिन में इनका स्थापित केलखिन और भगवती कृपा है चल रहे हैं जे चीफ जस्टिस जे अपन रूलिंग लिखलखिन वही में 75% हिनके जे पिटीशन छले ना ओकरे वही में ओ मानलखिन और वही आधार पर राम जन्मभूमि के स्थान देल गले। ये अपने सब नेट पर देख सके छे कि डॉक्टर पी एन मिश्र के छला है। अद्भुत जानकारी सर, बहुत बहुत साधुवाद। नहीं पता थी ते हम ई कहलो जे ऐ स्थान पर आबि के कहना है बहुत नीक हेतै जे हमर मिथिला बहुत बढ़िया और हमरा बस शब्द नहीं है एहन एहन जानकारी हम सबके भेट रहा है। अपने के अगर एक बार आ गया हो तो दर्शक सबके नाम हम जरूर ले बचावे हम बहुत सारा कमेंट्स मिस कर दिलियन है। अनु कुमार झा जी, पंकज मिश्रा जी, कौशल किशोर जी और दुर्गा झा जी सब अपने के नमन कर रहा छन और बहुत रास प्रश्न से हो सब पूछ रहा छन। बहुत ज्ञानवर्धक बहुत बड़क प्रस्तुति कौशल किशोर जी कहे छन और पंकज मिश्रा जी कहे छन व्हाट इज द सोर्स ऑफ शंकर्स डेट। पंकज मिश्रा जी पूछे छन नॉट अ सिंगल इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट इज मेंशनिंग और रेफरिंग शंकरा टिल 8th CAD। सर सब प्रश्न के जवाब देते हैं और सर अपने के साधुवाद देते अपने से निवेदन करबे जे हमर सब के परिचर्चा आगे बढ़ाएल जाए। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम अबै छी विषय वस्तु पर। एखन एकटा हम इंट्रोडक्शन देलौं अहाँ के जे बितंडावादी लोग सब क्या एकरा स्थापित नहीं होबे देलखिन। बड़ा नीक प्रोफेसर पंकज जी सवाल पूछलन है जे कोना हिनका अहाँ मतलब डेट के प्रमाणित करबै जे उनका डेट ई नहीं छलन है 507-475 BC कोना कहल जाए। देखियो अइमे सबसे इम्पोर्टेंट होइ छे शोध। हम सब शोध जे डॉक्टर पी एन मिश्र और हम सब केलौं ओइमे छे सबसे पहिल अबै छे किंवदंती की छे तथा परंपरा से प्राप्त विवरण की छे। परंपरा की दोसर हम सब देखे बहुत ठोस प्रमाण छे दोसर जे की शिला एवं ताम्रपत्र अभिलेख की कहे छे। बिल्कुल सही। तेसर हम सब आर पुरातत्वीय शोध करे छे तैमे देखे छे की मुद्रा ओय समय में की छले आ मुद्रा में की अंकित छले। चारिम हम सब जे की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्त्रोत्र छे वो पुरातत्वीय उत्खनन। प्रोफेसर पंकज कुमार जी के जरूर अवगत हेतन जे पुरातत्वीय उत्खनन कतेक महत्वपूर्ण और कतेक इम्पोर्टेंट ओ एविडेंस छे। जी तेकरा बाद हम सब पांचम जे शोध पर जे तिथि निर्धारण या कोई ऐ तरह खोज करै छिए तो देशी विदेशी ऐतिहासिक ग्रंथ में की वर्णन कयल गेल छे। अइ पांचों स्रोत से एकत्रित साक्ष्य से संपुष्ट सिद्धांत पूर्णतः सत्य और अकाट्य मानल गेल अछि। एकरा क्यों झुठला नहीं सके छे, एकरा क्यों मना नहीं कह सके। आब आओ पहिल नंबर किंवदंती और परंपरा से प्राप्त विवरणक प्रमाण। जी डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र अहि पर गंभीर चर्चा अपन पुस्तक में केने छथि। ग्रंथ शिव रहस्य, प्राचीन शंकर विजय, बृहत शंकर विजय, माधव शंकर दिग्विजय विमर्श आदि में शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारू धर्म राजधानी मठ में
शारदा मठ द्वारका तथा गोवर्धन मठ पुरी एवं शंकराचार्य परंपरागत काम कोटि मठ कांची का अव्याहत गुरु परंपरा तथा हिमालयन गजेटियर में लिपिबद्ध किंवदंती चीनी यात्री विहनसांगक यात्रा विवरण के आधार पर शंकराचार्य के आविर्भाव काल ईसा पूर्व 507-675 ईस्वी सिद्ध कायल गेल अछि। एक पूरा चित्रण लेल हम सब विद्वान सब के आमंत्रित करे छी। ये एक घंटा या दो घंटा में परिचर्चा के नहीं समाप्त कैल जा सके है। लेकिन प्रत्येक ठोस प्रमाण हमरा सब लग अछि, प्रत्येक ठोस प्रमाण अछि जे अकाट्य अछि। एहिमे क्यों ये नहीं कह सके छथि कि ये काल निर्धारण नहीं भ सके छ। नंबर दो अबै छी हम सब शिला एवं ताम्र पत्र अभिलेखीय प्रमाण। अशोक के पीरियड 3rd century BC छले है, तो हमरा सब के ओहि काल के आर्कियोलॉजिस्ट के पॉटरी भेटे छल। पॉटरी छले है ब्लैक एंड रेड वेयर, जे कि हम सब कहिए कि ब्लैक एंड रेड वेयर ई छे NBP नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऐसे हम सब उठा के नेकेड आई से कह दे छलिए है जे ई 3rd century BC छे, अशोक के काल के छे। तो शिला और ताम्रपत्र अशोक के जे एडिक्ट छले है सेहो सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस छले है। तो आई में डॉक्टर मिश्र आदि शंकराचार्य के समकालीन, उनकर समकालीन राज्य छले या सुधनवा राजा छलखिन है तथा पांडुकेश्वर एवं अन्य मंदिर सबसे उपलब्ध विक्रम पूर्व कुशली वंश के राजा लोकनिक शिला एवं ताम्रपत्र अभिलेखक आधार पर आदि शंकराचार्य के काल 507-475 सिद्ध कहने छथि, जे की पूर्ण प्रमाणिकताक संग अछि। ओहि पर खूब विचार विमर्श कऽ कऽ एकरा एकटा निर्णय कयल गेल अछि। तेसर अबै छै मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण। डॉक्टर मिश्र आदि शंकराचार्यक पांडुक्य उपनिषद भाष्य में उल्लिखित हुनक काल में प्रचलित कार्शार्पण मुद्रा, कार्शार्पण मुद्रा अपने के आधार पर सिद्ध कहने छथि जे एहि मुद्राक प्रचलन संपूर्ण भारत में 5वीं-6वीं ईसा पूर्व में छल। यद्यपि ईसा पूर्व 2nd शताब्दी तक उत्तर भारत में चलित रहल, तथापि मौर्य काल में उत्तर भारत में एहि मुद्राक स्थान पण नामक मुद्रा लऽ लेने छल। एहि मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण से सिद्ध होइत अछि जे आदि शंकराचार्य अपन भाष्य ग्रंथ निश्चित रूप से ईस्वी सन 5वीं शताब्दी में लिखने रहे। आब सबसे इम्पोर्टेंट जे एविडेंस जेमे कि हम अपन मोहर लगेने छी, जे कि बहुत प्रमाणिकता छे हमर अपन 37 वर्ष के पुरातत्वीय ज्ञान जे छल, जे पर हम सब बैस के बहुत चर्चा केलौं। डॉक्टर मिश्र के अलावा बहुत सारा विद्वान संगे हम सब चर्चा केलौं, कैकटा वेबिनार भेल, एखन एकटा वेबिनार भेल जेमे 112 संस्कृत के प्रोफेसर छला, BHU के चांसलर ओ वेबिनार करेलखिन, जे अछि पुरातत्विक प्रमाण। जी सब विद्वान सब जे मिथिला के हेता हुनका आश्चर्य लगैत हतन जे शंकराचार्य के पुरातत्विक प्रमाण की छै, यौ कतौ से प्राप्त भेलै, आइ तक तो सुनने नहीं रहिए। लेकिन आइ हम अपने के अइ रेखा जी अइ माध्यम से आइ अपने सबसे पहिल ई अपने के जे लाइव हमरा से करा रहल छी, जतौ हम ई प्रमाणिकता विद्वान सबक संग जे भेल है आ पुरातत्वता सब तकरा उजागर कऽ रहल छी। अद्भुत छन, विलक्षण छन छे, और सब दर्शक सब जत्ते उत्साहवर्धक कमेंट्स दे रहल छे, त जत्ते अपने के ज्ञान भेट रहल है सर, ओइला अपने के बहुत बहुत साधुवाद दे छी। धन्यवाद। आदि शंकराचार्य अपन ब्रह्म सूत्र भाष्य में पाटलिपुत्र के वर्णन केने छन। सब विद्वान कहता हां क्यों नहीं नहीं कहता जी, वो अपन ब्रह्म सूत्र भाष्य में स्त्रुग्न एकटा प्राचीन हमरा सबके साइट छले हरियाणा में, या आर्कियोलॉजिकल साइट छले। पाटलिपुत्र हमर सबके एकटा आर्कियोलॉजिकल साइट छे, जे अपने सब जने छी पटना में जे कुम्हरार छे, ओहिठाम खुदाई मौर्य काल के शासन के एविडेंसेस भेटले। आ संयोग से हमर पिता डॉक्टर विजयकांत मिश्र जे छलखिन है, वह ओकर खुदाई केलखिन, उनके ओकर खुदाई के रिपोर्ट निकलल छे। आर विजयकांत जी RS अल्तेखर संगे वो कार्य कैलन सन 48-49 में, लेकिन अल्तेकर साहब लिखे छथिन जो हम सीनियर रही तय हमरा
नाम अई में विजय कांत जी अपना संगे जोड़लन है अथार हम कोनो एहन अई में पुरातत्वीय एक्सकेवेशन नहीं केने छी, सबटा काज विजय कांत मिश्रे केने छथि। आर ओ पाटलिपुत्र पुरातत्वीय उत्खनन आर रिपोर्ट प्रकाशित में ओई में कुम्हरार घाट एवं महावीर घाट पटना प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र एवं स्त्रुघ्न में कैल पुरातत्वता द्वारा खुदाए दुनू नगर ईसा पूर्व पांचवी सदी में समृद्ध छल। आर छठम थी ईस्वी सन दसम सदी तक आई दुनू नगर के अस्तित्व समाप्त भौ गेल छले। हमरा बतायल जाए कि 788 में पाटलिपुत्र कतौ छले, 788 में स्त्रुघ्न कतौ छले। हमरा विद्वान सब बताबे जकर वर्णन एलै है, जकर वर्णन ब्रह्मसूत्र भाष्य में एलै है, कतौ छले। ओ छठम सदी से ईस्वी सन दसम सदी तक आई दुनू नगर के अस्तित्व समाप्त भौ गेल छल। कुम्हरार के आ स्त्रुघ्न के रिपोर्ट अपने सब देखिए, विद्वान पुरातत्वता संगे बैसिए, वो पूरा क्लियर कह देता। वो साइंस छे, साइंटिफिक छे, ओय में कोनो इफ एंड बट नहीं छे, इट इज प्योर साइंस। आर्कियोलॉजी 2+2=4 होइ छे, ओय में कोनो 5 या 3 नहीं है। बिल्कुल अई काल अवधि में ई दुनू नगर उजड़ चुकल छल आर ओकर नगरीय अस्तित्व समाप्त भौ चुकल छल। अई प्रमाणिक टेक्निकल साक्ष्य रिपोर्ट से ई सत्यापित होइत अछि जे शंकराचार्य के भाष्य लेखन काल निश्चित रूप से 5वीं सदी सिद्ध होइत अछि तथा वर्तमान विद्वान द्वारा परिकल्पित आविर्भाव काल 788-820 ईस्वी स्वतः खंडित भ जाइत अछि। पुरातत्वीय प्रमाण से बेसी पैघ प्रमाण कोनो नहीं छै। जी आब अभी की हम सब पांचम जे देशी विदेशी ऐतिहासिक ग्रंथ में वर्णित घटना सभाग प्रमाण। जी डॉक्टर मिश्र, पीएन मिश्र आदि शंकराचार्य के समकालीन देशी राजा महिष्मति नरेश, सुधनवा, देवभूमि बद्री नरेश, पूर्ण वर्मा, मैसूर कोलाहलपुर नरेश विक्रम, कश्मीर नरेश जलो और विदेशी राजा सब नेपाल नरेश, वृषदेव वर्मा व राज प्रमुख बल वर्मा तथा नेपालक परिवर्ती राजा लोकन वरदेव, ईसापुर प्रथम सदी शंकर देव, ईसापुर षष्ठ सदी एवं परवर्ती मैसूर कोलाहलपुर नरेश तिरु विक्रम देव ईस्वी सन द्वितीय सदी के वृत्तांत और अभिलेख में शंकराचार्य के आधार पर इस सिद्ध कायल गेल अछि जे आदि शंकराचार्य ईसा पूर्व पांचवी सदी में अपन समकालीन राजा सभक संग शोभायमान रहत। बिल्कुल ही रिकॉर्ड छे, एमे कोनो कॉन्क्वेशन या कोई जबरदस्ती ओइ जमाना के नहीं लिख सके छे, ई ओइठम स्थापित छे आ ओइ में क्लियर कट ई छे जे 507-475 BC आदि शंकर 2500 वर्ष पूर्व समाधि लेने रहे, शिव रूप में 507 BC में आयल छला और 475 BC में समय कालक समाप्त भेल। नामी इतिहासकार लोकन बिना साक्ष्य या प्रमाण के समय काल के गलत काल निर्धारण करी शुद्धता साक्ष्य और प्रमाण 788 AD स्थापित करें। के बी पाठक एकटा मूर्ख विद्वान हम कहे ओकरा ब्रिटिश राज शरण दौ दल के और वो बितंडावादी इतिहासकार छल जे कि 10 पेज के कि 12 पेज के एकटा कोनो पुस्तक लिखल के, तै में ब्रिटिश पीरियड में ही मानल गेल जे माधवाचार्य या शंकराचार्य के दैत्यक संतान कहलखिन। बुझबे अपने एहन एहन शब्द सब कहल गेलै जे उनका दैत्यक संतान कहल गेलै। शिव रहस्य नवमांश प्राचीन 11वीं सदी के नौम खंड 16 अध्याय के क्यों विद्वान नहीं देखले, नहीं देखल किन क्यों विद्वान सह हमरा आश्चर्य लगैया जे अतेक मिथिला के विद्वान सब भेलखिन, अतेक पैघ पैघ लोग सब भेलखिन, क्यों नहीं देखलखिन। हमर पितामह महामहोपाध्याय उमेश मिश्र छला है, हम उनकर चीज सब देखलियन, हुनको में कतौ वर्णन नहीं आयल। हम गोपीनाथ कविराज जी के ग्रंथ सब देखलियन, ओहू में कतौ हमरा नहीं देखा में आयल। हम पीएन मिश्रा जी से पूछलियन तो कहलन जे क्यों नहीं एकरा टच कलके, कर्पात्री जी महाराज के ग्रंथ में सेहो नहीं कतौ हमरा ही देखा में आयल। लेकिन शिव रहस्य नवांश प्राचीन 11वीं सदी के नौम खंड 16 अध्याय के क्यों विद्वान नहीं देखलन। अही में कहल गेल अछि जे शंकराचार्य 4 स्थान के अवतरित कलन, क्लियर कट कहल गेल अछि। शंकराचार्य द्वारा वेदांत के प्रसार भेल, यदि वेदांत पहिने रहता है तो व्यंग सांग माधवानंदक शास्त्रार्थ शांक शास्त्र
शून्यवादक अध्ययन कलन, शंकराचार्य ब्रह्मवाद के चर्चा कलन, ई वेन सांग अपन मेमोयर में नहीं लिखते थे, एकटा चीनी ट्रैवलर जे एलै 634 में कोई बात मेंशन कर दिया, वो क्लियर कट मेंशन कर गया। शंकराचार्य विवाहित हुई चला है, बेटा पत्नी के रेफरेंस भेटे थे, आन शंकराचार्य जते कलखिन ओकर सबके पूरी मठ में जे वो सब मठों में अवैत रहे, करपात्री जी जे महान विद्वान रहे तो उनक पत्नी से वो सामने आए कि बेटी के विवाह चिंता व्यक्त करे, सबके पता है थी कहानी। लेकिन वृद्ध बृहद नयन वेदांत सांख्य आदि के वर्णन कहने छी, व्यंसान लिखने छथि जे वेदांत विद्वानक बारे में व्यंसान अपन मेंशन करे छथि, वाचस्पति के बारे में जयंत भट्ट जय मंगला टीका आदि उदाहरण सब जनित छी। नृप ओहि टाइम में नृप चौहान वंश 200 वर्ष पूर्व वाचस्पति से छला तकर पूर्ण प्रमाण है, अई में कोनो कंट्रोवर्सी नहीं। काल मुद्रा 788 में कते प्रचलित छल हमरा बतायल जाए विद्वान सब, काल मुद्रा 788 में की प्रचलित छलैया, सुधनवा सुदेव बर्मन कतो रहे, पाटलिपुत्र कतो छलैया, शुक्न 788 में कते छल। ब्यान सांग पूर्ण वर्णनक उल्लेख केने छथि, ब्रह्म सूत्र भाष्य के सेहो चर्चा केने छथि, प्राचीन शंकर दिग्विजय 13,500 श्लोक अद्वैत टीका 2-3 श्लोकक स्पष्टीकरण अछि, ओहि में मंडन मिश्र के शंकराचार्य के समकालीन कहल गेल अछि, मंडन मिश्र के तिथि निर्धारण में कोनो मतभेद नहीं छै, वो शंकराचार्य के समकालीन छला है। कहल गेल अछि शंकर दिग्विजय में कुमारिल भट्ट अक वर्णन छन, और जैन ग्रंथ जिन विजय में सेहो प्रमाणित कयल गेल अछि, नर्मदा तटक उल्लेख अछि, भारतीय विवाह प्रकरण सोन और गंगा कार्य क्षेत्र सिद्ध करित अछि, आदि शंकर ब्रह्म सूत्र भाष्य में दृष्टांत स्वरूप पाटलिपुत्र श्रगुन नगर के उल्लेख केने छथि, एतबे नहीं वो ओहि स्थान पर जाय वाला मार्ग के सेहो वर्णन केने छथि, शंकराचार्य के वर्णन छन। महर्षि पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में सेहो अइ सबके नाम लेल गेल अछि। व्यानसांग 634 ईस्वी में शुग्न आर गौतम बुद्ध द्वारा कयल गेल धर्मांतरण सुनल जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात व्यानसांग लिखने चाहिए, धर्मांतरण पुनः हुनका सबके सनातन धर्म में परावर्तनक उल्लेख अछि। व्यानसांग अद्वैत शंकर वेदांत के आचार्य माधव के सांख्य शास्त्र एवं परम शून्यवादक विद्वान आ जगत गुरु कहलखिन अछि, स्पष्ट रूप से अहि शंकराचार्य के परंपरा स्पष्ट संकेत दैत अछि। 788 के तिथि मान के हमरा लोगन 3 मतक परंपरा कांडली शंगेरी सबटा मिथ्या भ जाइत अछि। आप अभी हम सब मंडन मिश्र पर, मंडन मिश्र के बारे में अपने सबके सबके पता है जे मंडन मिश्र जिना हम कहलो जे समकालीन छलखिन है, और शंकराचार्य जे की कुमारिल भट्ट के शिष्य छलखिन है, या कुमारिल भट्ट संगे उनका शास्त्रार्थ हुई छलन है, तो कुमारिल भट्ट शंकराचार्य के कहलखिन है जे जाओ वहां मंडन मिश्र नाम सुरेश्वराचार्य ब्रह्मा पुत्र छला है सेहो छल, और हुनका से जाकर अहाँ शास्त्रार्थ करू, हुनका से ज्ञान प्राप्त करू, वही जका बहुत ज्ञानी व्यक्ति छल। मंडन मिश्र के नाम सुरेश्वराचार्य छल, श्रीमद शंकर दिग्विजय में इनका ऊपर बहुत बढ़िया चर्चा भेल अछि, अपना समय के बड पैघ पूर्व मीमांसक विद्वान के खाड़ी में राखल गेल छथि, ई कुमारिल भट्ट के शिष्य छला है, कुमारिल भट्ट इनका से 40-44 साल पैघ छलखिन, कुमारिल भट्ट के अंत होइ छलन है, और मंडन मिश्र के शुरुआत शास्त्रार्थ विचार ज्ञान के होइ छलन जी। आचार्य शंकर महिषी जतो इनकर घर छलन है ओतो पहुंच शास्त्रार्थ केने छला है, ए तो एकटा क्वेश्चन मार्क अबै छै जे की वो शास्त्रार्थ ओतो केने रहे, या सुधनवा के राजधानी जकरा के महेश्वर कहल जाय छै ओतो जाकर शास्त्रार्थ भेल रहे, शास्त्रार्थ 3 मास चले, लेकिन ओहि में शास्त्रार्थ में शंकराचार्य परास्त भेला से नहीं छे जी, परास्त वर्ण हम नहीं मानबे,
परास्त नहीं भला, आचार्य शंकर के शर्त के अनुसार शंकर इनका शिष्यत्व ग्रहण कराकर इनकर रूप में सन्यासी बनलखिन। ये विश्व रूप एवं सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध भला। बाद में शंकराचार्य श्रृंगेरी मठक स्थापना कर इनका आचार्य नियुक्त कलखिन। पांडित्य के ये अगाध सागर छला है। इन ग्रंथ सब में विचारक प्रौढ़ता और क्रमबद्धता देखवा में अवैते। चित सुख, विद्यारण्य, सदानंद, गोविंदानंद, अपिये दीक्षित आदि परिवर्ती आचार्य लोकन इनक विचार के प्रमाण स्वरूप अपन ग्रंथ में प्रस्तुत केने छत। संन्यास पूर्व मंडन मिश्र आपस्तंभीय मंडन कारिका भावना विवेक एवं काशी मोक्ष निर्णय नामक ग्रंथ के रचना कलन। तत्पश्चात ही तैत्रीय श्रुति वार्तिक, नैष्कर्म्य सिद्धि इष्ट सिद्धि पंजीकरण वार्तिक, बृहदारण्य उपनिषद वार्तिक, ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म सूत्र भाष्य वार्तिक, विधि विवेक मानसोल्लास लघु वार्तिक, वार्तिक सार तथा कार्तिक सार संग्रह ग्रंथ सभा रचना कलन। संन्यास ग्रहण करलाक बाद ई शंकर मत के केवल प्रचार कर लगला और अपन ग्रंथ में सेहो पूर्ण समर्थन शंकर मत के दलखी। संक्षेप शरीरक ग्रंथ के रचना कलन। दिग्विजय आचार्य शंकर भाष्य ग्रंथ के विकृति समाप्त कैल मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में हाला पत्नी सह काम कला संबंधी प्रश्न के जवाब नहीं दिला कथन सब जनते छी। ज्ञान सांगक माधव के सांख्य शास्त्र एवं परम शून्यवादक जगत गुरु शास्त्रार्थ गुणमति माधवानंद 310-299 बीसी भेल कालक्रम से अहि शास्त्रार्थ के समय आचार्य माधव जगत गुरु भेल। मंडन मिश्रक अभिषेक माघ शुक्ल सप्तमी भेल छन तेकर वर्णन वनकटाचल शर्मा असेहो अपन ग्रंथ में केने छथि। महाराज सुधनवाक राज्य में आदि शंकराचार्य के दिग्विजय विद्वान मंडन मिश्रक संग कई मास तक शास्त्रार्थ भेल। प्रभाकर आ मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य छला आ समकालीन रहे शंकर कुमारिल के अंतिम समय में प्रविष्ट वृद्ध हरि विक्रमादित्य पैघ भाई छला। हम एक जस्ट ब्रीफ अपने सबके सामने उपस्थित कलम है। ये ब्रीफ के ऊपर केराक मतलब हमारा ये जे डॉक्टर मिश्र जे छथि पी एन मिश्र जी के 488 पेज के ये ग्रंथ अपने सब जखन चाहिए मंगवा सके छी। एहिमें ग्रंथ अद्भुत जी एहिमें डॉक्टर मिश्र जी बहुत रास चीज कहने छथिन आ बहुत रास तथ्य अन्य छथिन जे कि देखा जोगर छे। ओहिमें ओ 600 वॉल्यूम रिफर केने छथिन, ओहि में ओ 408 रेफरेंस बुक रिफर केने छथिन। सबटा वॉल्यूम आ रेफरेंस बुक हुनका एहिठाम छैन एहिठाम। हमरा एक एक रेफरेंस बुक आ वॉल्यूम देखलन कहलन फणिकांत जी अहाँ देखियो एकोटा अगर गलत हो तो हमरा बताओ अहाँ हम अहाँ से संगे सीखब। ओ मतलब जिज्ञासु विद्वान जका ओ सबटा देलन। ओ कहलखिन जे हमरा बड़ दुख होइत छल जखन हमरा लोकन हम विद्वान सब 788 में शंकराचार्य के बैसा देने छियन, जबरदस्ती बैसा देने छियन। आई आई हमरा सब एकरा अतेक साल भ गेल भगवान शंकर के स्थापित नहीं कह पेलहुँ, हुनकर सही तिथि हुनकर सही की छलने समय। तो जतेक हम प्रमाण देलहुँ हैं अई प्रमाण में कतौ कोनो असत्यता नहीं छे, सबटा सत्य छे। एक बेर नहीं 10 बेर आरी पुरातत्वीय प्रमाण आके ओकर बाद इंस्क्रिप्शनल प्रमाण क्वाइन के प्रमाण आई सब से बेसी आर की चाहिए ओकरा जे भी विद्वान सब छन। एकरा बाद हमरा लोकन एखन एकरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एकटा केस फाइल के लिए हमरा पता लागल प्रमील जी से या कुछ लोग से जे सहरसा में जे एकटा बोर्ड हम सब लगवे लिए है ओई बोर्ड में हम सब की कहलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एकर जजमेंट अहि फेवर में एले जी। तो वो लिख के कोन आवश्यकता छले हम अहिले ओ लिखवे लिए कि अपना सब मंडे मुंडे मतर भिंडा हम सब सत्य सब परे जाय छी ओहिले आपस में राजनीति को ले छी। आई यदि ई मिथिला नगरी नहीं रहते सहरसा और महिषी आन जगह रहते कर्नाटक में तो मंडन मिश्र के ओहिठाम बड़ पैघ मंदिर बनल रहते
मंडन मिश्र के और शंकराचार्य के ओठा में है नाट्य मंदिर है, जागृत मंदिर बनल रहते। हम जखन ऑस्ट्रिया गेलो, ऑस्ट्रिया में हम देखलिए जे कार्ल मार्क्स के 3 घंटा के पिक्चर देखबे छे, हमरा लागल जे 3 महीना तक हम कार्ल मार्क्स संगे बैसल छी 3 घंटा तक, बाहर निकललो तो हमरा लागल जे ओ कार्ल मार्क्स कतो चली गेला। हमरा मन में ई विचार अबे छल क्या नहीं हम सब मंडन मिश्र आ शंकराचार्य पर एकटा महिषी में ऐ तरह कोनो योजना बना ली। हम धन्यवाद दै छी प्रमिल कुमार मिश्र जी के, धन्यवाद दै छी दिलीप कुमार जी के जे सहरसा में बैस मंडन मिश्र पर हमरा 2007, 2006 और 2007 में हम महिषी में जाकर वर्ल्ड हेरिटेज वीक बनेलो, जेकि यूनेस्को के प्रोग्राम चले या। हमरा ऊपर लोग सब कहलक जे आपने यहाँ मनाया, नालंदा में नहीं मनाया, गया में नहीं मनाया, आपने जाके वहां मनाया। हम लोग सब सब कहलिए, हम लिखलिए मंत्री के 20 पेज के रिप्लाई जैमे हम लिखलिए कि मंडन मिश्र नालंदा और बोध गया से कम इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व नहीं छला है। हम हुनकर प्रचार प्रसार में ई वर्ल्ड हेरिटेज वीक ओठा मनेलो, सहरसा के लोग सब अपने के कहत वो सब बड व्यग्र छला है 2006-07 के बाद, लेकिन आइयो हम सब निश्चित नहीं छी। हाई कोर्ट जजमेंट दल के कि जे ई सब डॉक्टर पी एन मिश्र जे शोध केलन है वो शोध सत्य है, वो प्रमाणित है, ओकरा संगे सब जे जतेक भी परिशिष्ट लगेलखिन सब के 2 बेंच जज जजमेंट दल के और 80 पेज के जजमेंट निकलल के, और वो कहलखिन है उनमें जे वितंडधारी लोग सब छथि जे अई तथ्य के हटाब चाह रहल छथि उन पर कार्रवाई कयल जाए। बहुत आभार करे छी सर, अपने के साधुवाद दे छी, अपने के सादर नमन करे छी, चरण वंदन करे छी। यार आई के जे हमरा सब के एपिसोड है, हमरा लागे है एक ऐतिहासिक एपिसोड छे, ई सब बच्चा सब के देखबाक चाहिए। आई के वर्तमान में हमरा सब के जे संतति सब छथि आबे वाला छथि हुनको सब के देखबाक चाहिए, प्रमाणित करे छै सर अपन ज्ञान से, अपन दृष्टि से, अपन विवेक से, अपन बुद्धि से जे हमरा सब के साइंटिफिकली प्रूव कर देलथि है, ओकरा हमरा सब के जानबाक चाहिए, बुझबाक चाहिए, समझबाक चाहिए, आ अपन मिथिला के गौरव के हम सब सम्मान करी। सर अपने के हमरा पास शब्द नहीं भेट रहा, कई शब्द से अपने के हम साधुवाद दी। आए हमरा सब के ई एपिसोड हमरा लागे है कि जामे मानव जाति रहते तामे देखबाक चाहिए, सजा कर रखबाक चाहिए, सजो कर रखबाक चाहिए। हम इतने भाव विभोर भ गेलो हैं जो दर्शक सबके नाम से हो लेने बिसेर गेलो हैं, पी के मिश्रा सर, प्रमिल सर, ललितेश मिश्रा सर, परमदीप, परदीप कुमार सर, रविंद्र कुमार चौधरी जी, भोली केसरिया जी, बहुत रास दर्शक सबके हम नाम लेने बिसेर गेलो हैं। आहाँ सबके सबके हृदय से आभार दे छी जे अपने सब हमरा सबसे जुड़लो, अपन कीमती समय लगेलो, आ सर के आए जे हमरा सबके सर ज्ञान दर्शन दिलैत है ओहि से आहाँ सब लाभान्वित भेलो। इह हमर सबके प्रयास से श्रीमान फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से हमर सबके प्रयास से जे हम सब अपन मिथिला के गौरव के जानी समझी, ओकरा अपन सम्मान एकटा दिल में जे हमर सबके स्थान है वो बना कर राखी, अपन अपन योगदान करी। सर अपने के बहुत बहुत साधुवाद दे छी, आ अपने से निवेदन करब जे जाय जाय सर एकटा संदेश अपने श्रीमुख से हमरा सबके जरूर देल जाय। बहुत नीक, हमरा बहुत खुशी हैत, हमरा बहुत खुशी हैत यदि हम सब एकटा सूचना पट एकटा हम सब कल्चरल टेक्स्ट महिषी में लगाबी जाहि में हम सब ई लिखी जे मंडन मिश्र शंकराचार्य दोनों एक समय के छला है प्रमाण के आधार पर, आर मंडन मिश्र के छला है, शंकराचार्य के छला है, एकर विस्तृत वर्णन 20-25 लाइन में हम सब ओठम लिखिए संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में आ मैथिली में, जाहि से लोग के पता चले कि शंकराचार्य मंडन मिश्र ऐठम आयल छला है, ऐठम इनका अहिमे कोनो विवाद नहीं छै कि मंडन मिश्र के वो जन्म स्थान नहीं छलन, पूरा क्लियर छै, पूरा वर्णन छै, महिषी के बारे में लिखल गेल छै। तो ओहि स्थान के हम सब जागृत करी, ओहि स्थान के लोग सब अहिमे दुनू हाथ सब तत्पर भ के करत, या हमरा उनका सबसे आग्रह है आ संदेश रहत। और हम तब देखियो ई शोध में लागल छी, ई शोध में एखन आर एकटा पीएचडी डिलीट लेल रजिस्ट्रेशन करेला है एकटा बड़ पैघ विद्वान फॉरेन के छथि, फॉरेन के विद्वान ओहि लेल डिलीट में अपन शोध कयलन है, रजिस्ट्रेशन करेलन है। ई तो चलैत रहते निरंतर, हमरा सब लोग
बहुत एविडेंस छे, एविडेंस के कमी नहीं छे। एविडेंस कहलो ने जे मिश्रा जी जे छथि से पूरा वॉल्यूम लो के बैसल छथि, जकरा केकरो भी कोनो संदेह होए तो परमेश्वर नाथ मिश्र जी से डायरेक्ट संपर्क कर सके छथि जी। उनका बहुत खुशी है तन, उनका मोबाइल नंबर से हो हम उनका अपने लोग लिख ले जाओ, 9831 9831 581 479, और दूसर नंबर चैन 7980361102, और हमर मोबाइल नंबर है 7890966966। किकरो कहते आई माध्यम से रेखा जी जत अनलाइन है जय मंच पर ओठम बहुत रास बात नहीं भ सके है। हम सब एक निरंतर कोशिश में छी, अही तरह के एक आर वेबिनार हम सब यूजीसी चेयरमैन से चर्चा भेल है, और पूरा देश के संस्कृत के प्रोफेसर सब के हम सब इनवाइट कर रहल छी, और अपन चर्चा हम मिश्र जी राखब। हमरा सब प्रधानमंत्री कार्यालय से सेहो संपर्क में छी, जे प्रधानमंत्री कार्यालय से सेहो क्या कहते प्रधानमंत्री एक बेर अपने कहने छथिन जे आदि शंकर जे छला से के केदारनाथ में महापरिनिर्माण भेलन 2500 वर्ष पूर्व, उनको से पत्र आयल छे और ओहू में हम सब कार्य खो रहल छी। हम सब गजेटियर जतेक भी छे देश में वही में तिथि बदला लेल सेहो हम सब पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहल छी मिनिस्ट्री सब के, और नहीं हेते तखन हम सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सेहो कोशिश करबे जे निर्णय लेल जाए। धन्यवाद हम रेखा जी अहाँ के दै छी, हम हृदय से दै छी, कोनो फॉर्मेलिटी रूप में नहीं दे रहल छी, आई यहाँ बहुत पैघ काज केलहुँ हैं। अहाँ के भगवान शंकर और मंडन मिश्र और इंद्र के रूप में सुधन्वा महाराज के आशीर्वाद अहाँ के भेटत रहत, और अ तरह काज अहाँ करत रही सह हमर प्रार्थना हमर निवेदन हमर आग्रह अपने से, और जतेक लोग में आयल छत जे सब के हम धन्यवाद दे छी, अहाँ सब शांति मन से हमरा सुनू सुनलहुँ है, और सुनला के बाद अहाँ सब में जे भी जिज्ञासा है हम फोन नंबर दिलहुँ है, हमरा अहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके छी। हम प्रमाण संगे ठाड़ है, एक दिन दू दिन तीन दिन महीना भर छः महीना हम सब अहाँ सब के जावे तक कन्विंस नहीं करा दे तावे तक नहीं हटाओ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया सर, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सब दर्शक सब के बहुत बहुत आभार। सर अपन फोन नंबर दिला था पी के मिश्रा जी के रिक्वेस्ट से हो चले हैं जो ओपन डिस्कशन के एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो सर अपन फोन नंबर दिला था जो हम सब डिस्कशन करा चाहे कोनो प्रमाण चाहे सर तो उनका स्वागत करे ले तैयार छे, चाहे कतबो लंबा डिस्कशन हो कतबो लंबा प्रमाण हो सर दे ले तैयार छे, साइंटिफिकली सर प्रूफ कहिए दिलात है, लेकिन तैयो अगर कोनो प्रश्न की पूछा चाहे छे तो सर अपन नंबर शेयर के लिए था हाँ सब पूछ सके छी, सर से कोनो जिज्ञासा है से क्लियर कर सके छी। नवो नारायण मिश्रा जी, अनूप जी, धनाकर ठाकुर जी, भोली केसरिया जी, अशिति एस झा जी, उषा झा जी, कौशल किशोर जी, बहुत रास नाम हम लेना है, भाव विभोर भ गेलो आए हम और बिसर गेलो, ऐला क्षमा चाहे छी, सब दर्शक के हृदय से आभार दे छी। आ सर अपने के त हमरा पास शब्द ने भेट रहल है, और अपना आप के आए हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहल छी जे पी के मिश्रा जी के सहयोग से हुनकर सपोर्ट से आए सर सने प्लेटफॉर्म वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही हम कर रहल छी सबके सामने प्रस्तुत कर रहल छी, ओइला हम शिवम फिल्म्स इंटरनेशनल के सेहो बहुत बहुत आभार अभिनंदन, सुमित सुमन भाई जी के बहुत आभार दे छी, आ अपन अपन योगदान मिथिला मैथिली ले करित रही। सर कोनो गलती भ जाए तो क्षमा कर दे, और आय के प्रोग्राम इम्हरे समाप्त करे छी, अपने के सपोर्ट अनहिए भेटत रहे सर हमरा सबके, और अपने के बहुत बहुत अभिनंदन करे, आय के प्रोग्राम इम्हरे समाप्त करे छी सर, आभार, धन्यवाद। Thank you.